नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। निगम चुनाव के मद्देनजर आप और बीजेपी में लैंडफिल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में दिल्ली नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि तीनों लैंडफिल साइटों पर जमा लेगेसी कचरे के निस्तारण के लिए 44 ट्रॉमल मशीन स्थापित की गई। दिल्ली नगर निगम ने अब तक 77 लाख मीट्रिक टन लीगेसी कचरे का निस्तारण कर दिया है, जिसके फलस्वरूप ओखला लैंडफिल साइट पर कचरे के ढेर की ऊंचाई 15 मीटर तक कम कर दी गई। भलसवा लैंडफिल साइट पर 11 मीटर ऊंचे एक ढेर को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया गया है तथा 12 मीटर ऊंचे ढेर को निस्तारित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कुछ स्थानों पर कचरे के ढेर की ऊंचाई 12 से 18 मीटर तक कम कर दी गई है। भलसवा और ओखला लैंडफिल साइट को दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से समतल कर दिया जाएगा। वहीं गाजीपुर लैंडफिल साइट को मार्च 2024 तक समतल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रतिदिन 11,000 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न है। दिल्ली नगर निगम के पास इसमें से 8,213 मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण करने की क्षमता है, जो कि प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे का 75% है। कुछ लोग अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं। खुद से ज्यादा दूसरों के लिए काम करके उनका ध्यान रखना कुछ लोगों के जीवन का हिस्सा होता है। मुरादाबाद की शिखा गुप्ता पिछले 22 साल से नेत्र रोशनी, नेत्र ट्रांसप्लांट, नेत्र ज्योति जागरण के लिए काम कर रही हैं। नेत्रदान को लेकर उनकी मुहिम की वजह से अब तक 2,758 लोगों को नेत्र मिले हैं। कई बार नेत्रहीन लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन शिखा गुप्ता की मुहिम में ऐसे कई नेत्रहीन लोगों को सहारा मिला है। शिखा दो तरह से इन लोगों की मदद करती है। पहले उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करती है, इनकी ट्रेनिंग करवाती है ताकि इन लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरा, नेत्रदान के जरिए इन लोगों की आंखों की रोशनी लौटाकर, ताकि इन लोगों को वापस से एक नई जिंदगी मिल सके। शिखा कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कब इन लोगों का दर्द समझने लगी, लेकिन ये लोग मुझे माँ बुलाते हैं। शिखा गुप्ता मुरादाबाद की रहने वाली हैं। उन्होंने 2009 में स्नेह नेत्र संस्थान की नींव रखी। वो कहती हैं कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को पता ही नहीं होता कि कब उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, इसलिए उन्होंने अपनी मुहिम की शुरुआत ग्रामीण भारत से की। हिमाचल के कुल्लू की ईशानी सिंह जम्बाल पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने माउंट जो ओ पीक को फतेह किया है। ये चोटी नेपाल और चीन के मध्य स्थित है। दक्षिण की ओर से दुनिया की छठी सबसे ऊंची व कठिन चोटी पर 7200 मीटर की ऊंचाई तक ईशानी पहुंची। जानकारी के अनुसार माउंट जो ओ के अत्यंत चुनौतीपूर्ण दक्षिण की ओर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए वो दुनिया भर के पर्वतारोहियों में एकमात्र महिला बन गई है। ईशानी ने कहा कि वो खुद को चुनौती देने और देश के लिए अपने शिखर पर चढ़ने में सक्षम थी। उन्होंने कहा कि उसका उद्देश्य पर्वतारोहण को एक साहसिक कार्य के रूप में बढ़ावा देना है और साथ ही सरकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभियानों के लिए पर्वतारोहियों को आर्थिक रूप से समर्थन देने का अनुरोध किया है। ईशानी के पिता शक्ति सिंह व माता नलिनी जम्बाल ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है और उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस तरह के साहसिक बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ऐसे में प्लास्टिक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल सिंगल यूज प्लास्टिक का किया जाता है। इसे निजात दिलाने और आम जीवन में लोग इससे कैसे दूरी बनाएं, इसके लिए दिल्ली की रहने वाली एक डॉक्टर ने एक ऐसी मुहिम शुरू की जिसका असर अब देश भर में हो रहा है। अब आपको प्लास्टिक का थैला नहीं बल्कि दुकान से कपड़े का थैला मिलेगा, वो भी किराए पर।
पर्यावरण को बचाना है तो नई सोच के हिसाब से काम तो करना ही पड़ेगा। ये तय करना होगा कि आखिर जिन परेशानियों की वजह से पॉल्यूशन या पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। इसके लिए दिल्ली की एक डॉक्टर रूबी मखीजा ने विकल्प नाम से नया सफर शुरू किया है। आप इसको एक नई पहल भी कह सकते हैं। इसमें दिल्ली के 300 से ज्यादा दुकानों जो कि दिल्ली के बड़े बाजारों में मौजूद थी, वहां प्लास्टिक की पॉलिथीन या प्लास्टिक बैग बंद करा के कपड़े से बने बैग रख दिए गए। अब अगर ग्राहक बैग नहीं होने का बहाना या दिक्कत बताता है तो उसको तुरंत कपड़े के बैग में सामान रखकर दे दिया जाता है। इसके लिए ग्राहक को केवल 20 रुपए देने होंगे और जब वो ये बैग वापस लाएगा तो उसको 20 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। मुरादाबाद के बिलारी के रहने वाले एक किसान ने खेती के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। उन्होंने सब्जियों की विलुप्त हो चुकी 55 से अधिक प्रजातियों को फिर खेती के लिए प्रचलन ले लिया है। इतना ही नहीं, 100 से ज्यादा नई किस्म की सब्जियां व वनस्पति की किस्म बनाई है। इसके लिए रघुपत सिंह को अब तक 11 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। केंद्र सरकार भी इनकी मुरीद है और प्रधानमंत्री भी इनकी तारीफ कर चुके हैं। रघुपत सिंह की दिनचर्या और किसानों से बिल्कुल अलग है। लगभग 35 साल पहले रघुपत जी ने यह तय किया कि जीवन में कुछ नया किया जाए। ऐसे में उन्होंने उन सब्जियों को दोबारा से जीवित करने के बारे में सोचा जिनका अस्तित्व सदियों पहले मिट चुका है। रघुपत सिंह कहते हैं कि साधारण खेती तो सब करते हैं, अब थोड़ा हटकर सोचिए। उससे उन किसानों को फायदा होगा जो बाजार में इस तरह की उपज नहीं ला पा रहे हैं जैसे बड़े किसान। इसलिए छोटे किसानों को नए विकल्प पर जोर देना चाहिए। रघुपत जी अब तक 3 लाख से ज्यादा किसानों को खेती के गुर सिखा चुके हैं। देश भर में सभी खेती से जुड़े संस्थान इनकी मुरीद हैं और इनके द्वारा बनाई गई फसल यानी बीज को छोटे किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से स्टीपल चेज धावक सुधा सिंह ने 3000 मीटर इवेंट में हिस्सा लिया। उनके नाम नेशनल रिकॉर्ड दर्ज है। साल 2005 से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले कई इवेंट्स में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। पढ़ाई में शुरू से ही दिलचस्पी कम होने की वजह से एथलीट बनने की तरफ रुझान बढ़ गया। बचपन से ही माँ और पापा उनकी पढ़ाई और फ्यूचर को लेकर फिक्रमंद थे, क्योंकि वो ट्यूशन को छोड़ छोड़ कर दौड़ने चली जाया करती थी। उनकी दिलचस्पी और खेलों के प्रति जुनून को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें कुछ अच्छी ट्रेनिंग के लिए लखनऊ भेजने का फैसला किया। परिवार ने उनके सपने को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश और पूरा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो रायबरेली से लखनऊ आई और तैयारी की। लगातार कड़ी मेहनत कर इस मुकाम को हासिल किया। उन्होंने एथलीट करियर की शुरुआत साल 2005 में की। इंडियन ओलंपिक एथलीट में 3000 मीटर स्टीपल चेज में एशियन चैंपियन भी रह चुकी हैं। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते। साल 2010 के एशियन गेम्स में 9 मिनट 55 सेकंड में रेस को पूरा करके गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद वो पहली एशियन चैंपियन खिलाड़ी बन गई हैं और 3000 मीटर स्टीपल चेज एशियन गेम्स में पदक जीता। बार टेल्ड गॉडविट पक्षी, इसके नाम अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। जी हाँ, केवल 5 महीने के इस पक्षी ने अलास्का से ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया तक का 13,560 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। वो भी लगातार 11 दिन तक उड़ता रहा, बीच में कहीं खाने भी नहीं रुका और ना ही पानी पीने। बार टेल ने उड़ान की शुरुआत 13 अक्टूबर को अलास्का से की थी और 25 अक्टूबर को इसे पूरा किया। उड़ान का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए उसकी पीठ के निचले हिस्से पर सैटेलाइट टैग लगाया गया था। वैज्ञानिकों ने इस 5G टैग को ट्रैक किया जो कि इस पक्षी की पहचान है। इस दौरान पक्षी ने ये मैराथन सफर बिना रुके 25 अक्टूबर को पूरा किया। बार टेल गॉडविट अपने इस सफर के दौरान ओशिनिया, वानुअतु और न्यू केल्डोनिया द्वीपों से होकर निकला। वो सीधे तस्मानिया में उतरा। बार टेल गॉडविट प्रजाति के पक्षी पहले भी रिकॉर्ड दर्ज कर चुके हैं। 2020 में बिना रुके 12,000 किलोमीटर की दूरी 11 दिन में पूरी की थी। पक्षी ने ये दूरी अलास्का से न्यूजीलैंड के बीच तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस बीच उसने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया था।
गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।